अपने सीट पे जाके बैठते तो ना उनको थोड़ी थोड़ी सी वॉइसेस आ रही थी, तो उनको थोड़ा आइडिया हो गया था कि यहाँ किस बारे में बात हो रही है। बट वो ना एक दूसरे को ये शो करते हैं कि उनको बात उनको ये इस बात का नहीं पता कि क्या बात हो रही है, ताकि वो सामने वाले पर्सन को अनकम्फर्टेबल ना कर सके। यहाँ पे दोनों के पास ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं बड़ी, और जुची ना उसको ना हल्का सा रियलाइजेशन है, बट उसको थोड़ा सा शक है पड़ा कि वो शायद लूंगी से प्यार करते हैं। बट वो सोचते कि ना नहीं, मैं अपने फादर से कैसे प्यार कर सकता हूँ। तो वो ना हमेशा अपने आप को नहीं ये फीलिंग देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो युग होता है वो ना जैसे अब ऑर्डर करता है, तो उसके बाद फिर ना वो काफ़ी ना ऐसे लवली सा ना डिनर करते हैं, और आपस में ना कुछ बातें कर रहे थे। जो जिन्हें तो वो अपने कॉलेज के बारे में बता रहे थे, और जो युग होता है वो फिर ना कुछ अपने ऑफिस से रिलेटेड वर्क के बारे में बता रहे थे। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं सीन जो कि ना जो जिन्हें होता है वो ना कार की विंडो को ओपन करके जोर से चिल्ला रहा होता है, ऐसे दिमाग खुश हो रहा है, बिकॉज वो ना ऐसे मजा कर रहा था और ना इंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो हाईवे पे जा रहे थे और हाईवे पे नाइट का टाइम था, मिड नाइट का टाइम था, और बिल्कुल कोई भी नहीं था वहाँ पे। और ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल ना सीनरी लग रही थी, वो काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया लग रहा था व्यू, क्योंकि वहाँ पे ना बिल्कुल स्टार्स जो थे शाइन कर रहे थे, बिल्कुल एक पर्ल की तरह, इस डायमंड की तरह इतना ना शाइन कर रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा मून ब्यूटीफुल लग रहा था, फुल मून नाइट थी, और वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, जो रोड उस पर ना मून की लाइट पड़ी थी, वो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जो यंग होता है वो जब जीवन को देखते हैं इस तरह खुश, और उसकी ना फेस पे मून लाइट पड़ी होती है, वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, और जीवन बहुत ज़्यादा ना चिल्ला रहा था, खुश हो रहा था, हंस रहा था। तो उसकी ना जो साउंड होती है वो फुल उस ना एरिया में आती है, और यूंगी होने ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है वो ना लेजीली उठता है, बिकॉज जो यूंगी था वो आया था, कहते हैं जिमिन उठ जाओ, चलो आज हम जॉगिंग पे जाने वाले हैं। तो फिर जो जिमिन होता है वो कहते हैं फादर डैडी प्लीज़ आज तो सैटरडे आज तो संडे है, प्लीज़ आज तो सोने तो जल्दी। तो फिर ना जो वो कहते जीवन उठो, तो फिर जो जीवन कहते ओके डैडी, फिर तुम बोलते हो, फिर ना चले जाते हो, फिर ना शावर लेके आते हो, फिर ना अपना ट्रैक सूट पहन लेते हो, फिर ना जीवन और योगी दोनों जाते हैं जॉगिंग करके आते हैं, और उसके बाद फिर ना दोनों अपने ना जिम एरिया में जाते हैं। उसके बाद जो योगी होता है वो जैसे ही वहाँ जाता है तो ना वो वहाँ से ना थोड़ा ना पानी लेने के लिए चल रहे थे, जो जीवन है तो वो फिर ना वहाँ देखने लगता है, फिर ना उसको काफ़ी गर्मी सी फील हो रही थी। तो वो जो होती है अपने ना जो होती है अब जो उसने ऊपर पहनी हुई थी वो उसको उतार देते जैकेट को, जो उसी ना ट्रैक सूट की जैकेट थी उसको उतार देते, और वो ना सिर्फ और अपने ट्राउजर्स में था, उसके अलावा उसने ना जो अपर के नीचे कुछ नहीं पहना था जैकेट के नीचे। तो उसके बाद फिर ना वो वहाँ पे ना एक्सरसाइज करने लगते, और ना काफ़ी उतरते ना उसकी मसल्स बिल्कुल प्योर नजर आ रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा ना हॉट लग रहा था उस टाइम पे। उस टाइम पे जो यूंग और उसकी ना स्वेटिंग भी हो रही थी, और जो यूंग था वो वहाँ जो पानी लेके आता, और जो ना वो जिमिन को वहाँ देखते हैं तो ना इस तरह देखते, तो वो मतलब ना थोड़ा ना ऐसे होता है, उसको ना काफ़ी ज़्यादा ना फील होने लगता है अपने उसमें, बट वो ना इस चीज़ को ना इग्नोर करता है, और थोड़ा ना इग्नोर करने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको फील होता है कि ना वो अगर जिमिन को और देर तक देता रहा तो जो उसके अंदर फीलिंग्स जो डिवेलप हो रही हैं वो अभी अभी अरोस्ट हो जाए उन फीलिंग्स की वजह से। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, फिर ना वहाँ जन जीवन के पास जाते हैं, उसको पानी देते हैं, और फिर ना जीवन होता है वो थैंक यू बोलता है, उसके बाद ना पानी पीने लगता है, और जिस तरह पी रहा था तो उसके ना थोड़ा फेस से ना उसके माउथ से गिरा था, जो उसकी फुल बॉडी किससे होता है वो उसकी ना जो होता है बिल्कुल ट्राउजर्स वाली साइड पे चला गया था, और जिससे ट्राउजर भी हल्का सा वेट हो गया था। और जो जिमिन को ना इस तरह देखे ना जो यंग होता है वो ना वो बंद रहता है, जिमिन हाँ जो यंग होता है उसका ना फेस रेड हो रहा होता है, उसका ना ब्लश उस तरह का ना बहुत ही हॉर्नी सा फील हो रहा था, बट वो इस चीज़ को ना बिल्कुल ही ना साइड करता है, और फिर ना वापस अपने ना वो करने लगता है। बट वो उसने भी वो ट्रैक सूट का ना जो जैकेट था वो पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसको भी ना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, उसे एक्सरसाइज से नहीं होते थे, तो वो भी अपनी हटा देते। और ये फर्स्ट टाइम था कि ना जर्जी में ने ना यूंगी की बॉडी देखी, और जब यूंगी ने उसकी यूंगी की बॉडी उसने देखी तो हमेशा वो या तो टी शर्ट्स में होता था या फिर ना लॉन्ग शर्ट्स में ड्रेसिंग शर्ट्स में इस तरह होता था, बट ये फर्स्ट टाइम था कि वो भी उसके सामने फल हाफ नेकेट था। तो ना जीवन उसको देखता है और फिर ना बिल्कुल देखे अमेज्ड होता है उसकी बॉडी को देखी यूंगी की, और ना अपने लिप्स को ना अनकॉन्शियसली वो भी लिख करता है, और ना जो यूंगी था उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, बिकॉज वो अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर देख रहा था, और ये हरकत कर रहा था।
और ना उसके बाद फिर अपने ना फुल एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, जो जिम ना तो कंटिन्यूसली उसी पे घूर के ना देखी जा रहा था, उसको ना फील कुछ अजीब सा ना अपने उसमें एरिया में ना बॉक्सेस में फील होता है, तो उसको फील होता है कि जो उसका मेंबर है वो फर्स्ट टाइम हार्ड हो गया। तो वो फर्स्ट टाइम था तो उसको ना कुछ समझ नहीं आती कि सुबह, तो ना वो उठ जाता है और फिर ना अपने ना लोअर पार्ट को ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर से टच करने लगता है, और उस टाइम में जो जिम ना काफी अचानक से उठाता है तो उसके ना जो साथ पाँव के साथ उसने ना बॉटल रख दी, तो वो जैसे गिरी ना तो उसके साउंड से ना योगी भी जिमिन की तरफ देखने लगी थी, और जिमिन की जब देखा तो वो शॉक हो गया था, बिकॉज जिमिन था वो ना अन्य ना पार्ट की तरफ देखे तो उसको ना थोड़ा सा टच करके देख रहा था, बिकॉज ये उसके लिए ना थोड़ा फर्स्ट टाइम था, उसको ना थोड़ा पेन भी फील होता है, तो ना अपनी आइस ना ऐसे पकड़ लेता है टाइटली क्लोज कर लेता है, और फिर ना उसके लिए ना अपना हाथ रखा होता है अपने लोअर पार्ट के ऊपर, तो फिर ना जो क्योंकि था वो कहते हैं कह रहे हैं क्या जिमिन वैसे बोलता है, और फिर ना खुद ना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, बिकॉज तो योंगी को जीवन को इस तरह देखे ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो ना जो जीवन करते हैं कहना पता नहीं डैडी वो ऐसी मेरा ना जो लोअर पार्ट है वो हार्ड हो गया, वो हार्ड हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो फिर जो यूंग थे ये सुन के ना उसका फेस फुल रेड हो जाता है, और उसका आइडिया हो जाता है, फिर ना उसको समझ जाता है कि ना उसका पार्ट क्यों हार्ड हुआ है, वो ना क्योंकि जो जिमिन के सामने ना वो हाफ नेकेड बैठा था जिस वजह से ना जिमिन को हॉट फील होने की वजह से वो भी हार्ड हो गया, तो फिर ना वो ना जिमिन की तरफ ना स्लोली उठता है और ना जिमिन की तरफ चलता हुआ था, फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगता है, जो जिमिन होता है वो थोड़ा ना टेंशन में होता है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम उसके साथ हो जाता है, तो ना यूंग की तरफ देखने लगा है, और यूंग कहते कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो फिर जो जिमिन होता है वो ना सर हाँ में ला देता है, फिर कहते यस डैडी, तो फिर ना जो यूंग होता है वो बस अब डैडी सुन लेते तो अब वो तो फुल्ली अपना कंट्रोल खो देता है, और फिर ना वो जिमिन को ना कहते मेरे पीछे, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो भी उसके साथ चलने लगता है, और जो यूंग होता है वो उसको ना अपने बेडरूम में लेके आता है, तो फिर ना वहाँ आता है, और जैसे ही आता है तो जो